मेरे नूरी रत्न, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को अपने सहपाठी सुनील सबरवाल का एक आर्टिकल सुनाने आ रही हूँ। सुनील सबरवाल दिल्ली में रहते हैं और इनका मार्केटिंग जॉब है। ये प्रेस में काम करते हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज की जो बुक्स वगैरह होती हैं उनका ये पब्लिशर, उनके पब्लिशर भी हैं, पब्लिश कराते हैं। तो जब हमारे साथ पढ़ते थे ना तो अभी ये बड़े ही नटखट स्वभाव के थे, मतलब पूरी क्लास में इनसे रौनक रहती थी। हमारे एक हिंदी वाले सर थे बी सिंह सर, बड़ा अच्छा पढ़ाते थे वो। तो वो जो हमें अलंकार पढ़ाते थे तो एक बार उसमें वो कहते कि देखो अलंकार में अनुप्रास अलंकार, तो जिस वर्ण की बार बार प्रयुक्ति होती है उसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे दुख दर्द दूर भागते नहीं दुलार से, बोला सारथी से रथ सजाने के लिए। तब तक सुनील सबरवाल ने हाथ खड़ा किया, सर हम बताएं। मैंने कहा बताओ बताओ। मुझे सर सजना है, मुझे सजना के लिए, ये भी तो अनुप्रास अलंकार है ना। फिर सर कहते कि हाँ है तो, लेकिन फिल्मी गाना है, पढ़ो। फिर आया उपमा अलंकार, तो उपमा अलंकार में फिर उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। बोले कि हाँ बताओ। बोलते कि रूप तेरा ऐसा मधुबन में ना समाए। सर यहाँ रूप की तुलना मधुबन से की गई ना, सर ये उपमा अलंकार है ना। मतलब जो भी वो अलंकार पढ़ाते हैं उसमें ये बच्चा कोई ना कोई फिल्मी गाना फिट कर देता है। तो इनके बहाने पूरी क्लास को हंसी हंसी में सब कुछ याद हो जाता था। तो आज इन्होंने बड़ा प्यारा आर्टिकल हमारे पास भेजा। ये लिखते हैं कि तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, कमियाँ निकालने के लिए तो लोग हैं ना, अगर रखना है तो कदम आगे रख, पीछे खींचने के लिए तो लोग है ना। सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए तो लोग है ना। अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग है ना। अगर बनानी है यादें, अगर यादें बनानी है तो यादें बना, अरे बातें बनाने के लिए तो लोग है ना। प्यार करना है तो खुद से प्यार कर, प्यार करना है तो खुद से कर, दुश्मनी करने के लिए तो लोग है ना। अगर रहना है तो बच्चा बनकर रहे, समझदार बनाने के लिए तो लोग है ना। भरोसा रखना है, भरोसा रखना है तो खुद पर रख, शक करने के लिए तो लोग है ना। तो बस संवार ले खुद को, तू बस संवार ले खुद को, आईना दिखाने के लिए तो लोग है ना। खुद की अलग पहचान बना, खुद की अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए तो लोग है ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए तो लोग है ना, तालियां बजाने के लिए तो लोग है ना। बड़े हंसमुख प्रवृत्ति के हैं ये। हमने जैसा कि आपको बताया था कि हम लोगों का क्लास ग्रुप फोटो था और फोटो के माध्यम से हम लोगों ने मोबाइल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू एक दूसरे को ढूंढ निकाला। तो जब इनका फोटो आया मैं तो पहचान ही नहीं पा रही थी। मेरी बेटी ममता मिश्रा ने कहा कि मम्मी ये जो लड़का है सुनील सबरवाल, अगर इसकी मूछें हटा दो तो देखो आज भी ये बचपन का वही भोला भाला मासूम सा सुनील सबरवाल ही तो है, आप भी पहचान पाई। तो हमने इनको इस तरह पहचाना। अभी भी भाई हम भले लेट हो जाएं या कोई दिन हमसे छूट जाए, लेकिन सुनील सबरवाल का मैसेज प्रतिदिन हमारे पास गुड मॉर्निंग कुसुम आ जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। इन्होंने आगे लिखा है कि मजाकिया स्वभाव के तो पहले भी थे, आज भी इनका बड़ा हंसमुख स्वभाव है। लिखते शादी का निमंत्रण आया है और कार्ड के अंत में लिखा है स्टे होम सेफ होम, स्टे होम स्टे सेफ। समझ में नहीं आ रहा कि बुलाया है कि फिर मना किया है। आगे लिखते कि आशाएं ऐसी हो जो मंजिल तक ले जाए, आशाएं ऐसी हो जो मंजिल तक ले जाए, और मंजिल ऐसी हो जो जीना सिखाए। जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे, जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे, और संबंध ऐसे हो जो याद करने पर मजबूर करे। तो भाई सुनील सबरवाल का हमारे पूरे ग्रुप में करीब 64 बच्चे हैं, इससे ज़्यादा ही होंगे, और सभी के सब सुनील सबरवाल से
आज भी बेहद प्यार करते हैं, क्योंकि इनका बड़ा अच्छा नेचर, बहुत हंसमुख इंसान है ये। तो इनकी ये कविता लोग हैं ना, आप लोग को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और हमें भी सालों से इंतज़ार था कि सुनील सबरवाल का कोई तो आर्टिकल आए, मैं कुछ ना कुछ इन पर बनाने का प्रयास करूं। तो आज इनका जब आर्टिकल आया, पढ़ के मुझे बहुत खुशी हो रही थी। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको बाय बाय।